आज मैं आपको टेंस टेंस के आगे सिखाऊंगी। वैसे इंडेफिनेट टेंस का मैंने आपको तीन सिखा दिए। हमारा फर्स्ट था अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर अफर्मेटिव का मैंने आपको नेगेटिव सिखाया था। हमारा थर्ड था इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और थर्ड हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी हम नहीं का यूज करते हैं और ये वाक्य भी क्या से ही स्टार्ट होते हैं। इसका भी सेम वही मेथड है, इसमें भी लास्ट में वही आएगा ता है, ती है, ते है। पहचान सबकी सेम ही है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है, बस उसके पार्ट चल रहे हैं अलग अलग। इसमें नेगेटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव का, इसमें भी हम डूडस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट इसमें हम नॉट लगा देंगे बीच में, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का यूज करेंगे इसलिए हम नॉट लगा देंगे। हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो क्वेश्चन मार्क प्लीज लगाना ना भूलिए आप। ही शी इट नेम, ये आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसमें हम डस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिंगुलर है। यू वी दे, डू का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्लूरल है। ही शी इट नेम में डस का यूज करेंगे, यू वी दे में प्लूरल का यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे क्योंकि ये एकवचन है, ये बहुवचन है। नेक्स्ट, अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है क्या वे नहीं जाता है, ताहे आ रहा है। ये देखो, ये हमारी पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या आ रहा है तो इसका भी समझ आ रहा होगा आपको कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और नहीं आ रहा है इसका भी समझ आ रहा होगा कि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ये इसकी सारी पहचान होती है, क्या वे नहीं जाता है। अब हम डूडस का कैसे देखेंगे कि किसमें डू आएगा और किसमें डज आएगा? हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह क्या होता है? एक पर्सन के लिए आता है जिसमें हम ही का यूज करते हैं, तो हम डज लगाएंगे इसमें। डज हमारा फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वह, वह को कहते हैं ही। अब हमारा नॉट आएगा, नहीं। डज ही नॉट जाता, मेन वर्ब जाता, गो टू। क्या वे नहीं जाता है? डज ही नॉट गो, गो ही आएगा। कोई आगे वर्ड्स होता है तो हम टू लगा के आगे बनाते हैं। इसमें सिर्फ आगे कुछ ही नहीं बताया, जाता है ही बोल दिया है। क्या वे घर नहीं जाता है तो लगाते गो टू होम। वो सिर्फ लास्ट में यही कह रहा है जाता है। क्या वे नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। फर्स्ट फॉर्म आएगी इसीलिए गो लगाया है। क्या तुम तेज नहीं दौड़ते हो? अब ये देखो, तुम आया, तुम कभी भी हम एक के लिए यूज नहीं करते, सिंगुलर के लिए यूज नहीं करते, हमेशा प्लूरल के लिए यूज करते हम तुम वर्ड। तो तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। अब हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन के लिए यूज कर रहे हैं। डू यू नॉट, थर्ड हमारा नॉट है इसलिए नॉट लगाया है। अब हमारी मेन वर्ड क्या है? दौड़ते, दौड़ते को इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? रन। डू यू नॉट रन, तेज को क्या कहते हैं? फास्ट। क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट रन फास्ट, क्या तुम तेज नहीं दौड़ते हो? तो हमने तुम का लगा दिया यू। फर्स्ट हमने डू क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा बहुवचन है, प्लूरल है। थर्ड है क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? वह आ रहा है, वह एक वचन है तो हम डज लगाएंगे। डज वह को कहते हैं ही। नेक्स्ट आएगा नॉट। डज ही नॉट, अब हमारा मेन वर्ब क्या है? खेल रहा है, तो प्ले। अब फुटबॉल,
क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? डज ही नॉट प्ले फुटबॉल. नेक्स्ट है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? अब तुम आया तो ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है, तो हम डू लगाएंगे. डू यू नॉट जाते हैं तो वो लिखेंगे. अब ये देखो, नहीं क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, हमारा ऑब्जेक्ट बता रहा है स्कूल, इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने गो पे खत्म किया. अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट बता रहा है तो हम लिखेंगे टू लगाएंगे गो के साथ में, गो टू स्कूल. हमारा था वाक्य क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो हमने इंग्लिश क्या बनाई, डू यू नॉट गो टू स्कूल. लास्ट है, क्या रोहन खाना नहीं खाता है? अब ये देखो, ये नेम आ गया. नेम भी हम एक पर्सन के लिए बात कर रहे हैं. जैसे मेरे सामने स्टूडेंट है तो मैं उसके यही बोलूंगी. जैसे लेट सपोज हमारे सामने एक मोनिका नाम की लड़की बैठी है, तो मैं क्या पूछूंगी कि मोनिका खाना नहीं खाती है? तो यही आंसर होगा ना, एक ही लड़की मोनिका है, मैं सिर्फ एक मोनिका से बात कर रही हूँ, तो वो सिंगुलर है, तो उसमें हम हमेशा डू डज का प्रयोग करेंगे. तो क्या आएगा, डज, नेम लिख देंगे रोहन, नॉट के बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, खाता, ईट, खाने को क्या कहते हैं, फूड. डज रोहन नॉट ईट फूड, ये हमारा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया हमने. क्या रोहन खाना नहीं खाता है? डज रोहन नॉट ईट फूड. समझ आ गया बच्चों, ये पांच सेंटेंस थे. आज हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंस, लास्ट सीखा था हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस, आज सीखा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मींस जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं. बाकी सेम मेथड है, और सब में नहीं का यूज में नॉट लगा देना. बाकी बस एक चीज का ध्यान रखना आपको कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, हम डू का यूज करेंगे कि डज का प्रयोग करेंगे, इसमें बाकी सब कुछ सेम है. आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके.